स्पेशल सीबीआई कोर्ट में आज रिलायंस टेलीकॉम के मालिक अनिल अंबानी को पहुंचना था। अभी की यह खबर आ रही है ताजा कि अनिल अंबानी इस वक्त निचली अदालत पटियाला हाउस कोर्ट में, जो 2G स्पेशल जज ओपी सैनी की कोर्ट है, वहां पर गवाही देने के लिए पहुंच चुके हैं। सीबीआई की गुहार के बाद अनिल अंबानी को समन जारी किया गया था। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष सिन्हा जुड़ रहे हैं। जानना चाहेंगे आशीष कि अनिल अंबानी कोर्ट के अंदर पहुंच गए हैं, कितनी बड़ी बटालियन उनके साथ पहुंची और किस तरह की बॉडी लैंग्वेज आपको नजर आ रही थी। बहुत अहम दिन है, बहुत ग्रिलिंग हो सकती है उनकी। हाँ देखिए, अनिल अंबानी अभी थोड़ी देर ही पहुंचे हैं। नॉर्मल से जो उनके साथ सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं उनके साथ वो परिसर में पहुंचे हैं, क्योंकि कल जो आरटीएल ने जो सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल की थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई रिलीफ देने से इनकार कर दिया था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पहले हम वो जजमेंट प्रोनाउंस करेंगे जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाई कोर्ट 2G से रिलेटेड मामले में या कोई दूसरी अदालत 2G से रिलेटेड मामले में कोई भी अपना वक्तव्य ना दे या फिर कोई भी फैसला ना सुनाए। बहरहाल उस पर ऑर्डर रिजर्व हुआ था। उसके बाद तुरंत 3 बजे ही आरटीएल की तरफ से, यानी रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड की तरफ से, यहां पे एक एप्लीकेशन फाइल की और यह कहा गया कि अनिल अंबानी को कल के लिए एग्जम्पशन दे दिया जाए। लेकिन कोर्ट ने राहत नहीं दी और यह कहा कि यह पिटीशन अनिल अंबानी की तरफ से एप्लीकेशन मूव नहीं हुई है, क्योंकि लास्ट टाइम जब आचल जब अनिल अंबानी की तरफ से एप्लीकेशन फाइल हुई थी और उन्होंने ये कहा था कि चूंकि उनका शेड्यूल बहुत व्यस्त है और पहले से ही काफी चीजें उन्होंने उस डेट के लिए तय करके रखी हैं, लिहाजा उन्हें 14 दिन का कम से कम टाइम दिया जाए। उसके बाद कोर्ट ने 22 तारीख को आने को कहा था और आज अनिल अंबानी 2G की विशेष अदालत में गवाही देने के लिए सीबीआई की तरफ से पहुंच चुके हैं। आशीष, जानना चाहेंगे कि सीबीआई का कहना यह है कि अनिल अंबानी वो 990 करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट थी रिलायंस टेलीकॉम की, रिलायंस कम्युनिकेशंस की स्वान टेलीकॉम के अंदर, उसके ऊपर ज्यादा रोशनी डाल सकेंगे। अब कैसे कैसे सवालों से उनका सामना हो सकता है और कौन सी रोशनी की बात कर रहे हैं, क्योंकि तमाम आरोपियों का कहना है कि ट्रायल के फैग एंड में इनको क्यों समन जारी किया गया। देखिए, जाहिर तौर पे क्योंकि ये जो स्वान टेलीकॉम में रिलायंस ने जो इन्वेस्टमेंट किया था 990 करोड़ का, आखिर वो इस इन्वेस्टमेंट जो था वो किसके कहने पे किया गया, ये एक मुख्य सवाल हो सकता है। क्योंकि ऑलरेडी रिलायंस टेलीकॉम के जो 3 हायर ऑफिसर हैं, गौतम दोषी, सुरेंद्र पिपारा और हरि नायर, वो ऑलरेडी एक्यूज है, जिनकी तरफ से बार बार ये एप्लीकेशन मूव की गई और ये कहा गया कि इनको केस के स्टेज पर एटलीस्ट इनको गवाह के नहीं बुलाया जा सकता, जिसको कोर्ट ने खारिज कर दिया था और जिसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में ये लोग गए थे। बहरहाल कई सवाल आज पूछे जाएंगे सीबीआई की तरफ से और अनिल अंबानी को बताना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है कि क्या जो दूसरे आरोपी हैं वो भी अनिल अंबानी को क्रॉस करना चाहेंगे या नहीं। अगर क्रॉस करते हैं तो मामले की सुनवाई लंबी चलेगी, मामले की सुनवाई लंबी चल सकती है। आशीष, आप नजर बनाए रखिए, हम फिर से आपके पास लौटेंगे। तो आज अहम दिन है, अनिल अंबानी जो कि रिलायंस एडीएजी ग्रुप के चेयरमैन है, वो पहुंचे हैं दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में 2G घोटाले में। किस तरह से रिलायंस टेलीकॉम की भूमिका रही है उसके ऊपर उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है, आगे बढ़ते हैं।